ज्ञान तिमरां दश्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरी तिल कमल लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वर मोक्तिकम् करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। जय गोपाल। आइए बहन और भाइयों, सत्संग की महिमा अपार है, सत्संग महान है। सठ सुधरई सत्संगति पाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मूर्ख लोग भी सत्संग का लाभ उठा लेते हैं, सुधर जाते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि सुधर ही नहीं जाते, वो तो परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। सुधरना बात कुछ और है। लड़का दारू पीता है, दारू पीना छोड़ दिया, आप कहेंगे लड़का सुधर गया, लाइन पर आ गया। बस आपने देखा है कि ये 84 लाख योनि जो होती हैं, इनमें कोई दारू पी रहा है? कोई दारू नहीं पीता। भोजन जरूर सब करते हैं, नशा भोजन में होता है वो एक अलग बात है, नशा धन में भी होता है, वो तो कोई मनुष्य के अलावा धन को छूता भी नहीं छूता, सिंह भी नहीं छूता, भालू भी नहीं छूता, बंदर चिंपैंजी भी नहीं छूते। क्या करें, वो फोड़ डालेंगे ही आपके हीरों को, फेंक देंगे। उनको फल चाहिए, जामुन चाहिए, आम संतरा चाहिए, अंगूर चाहिए, उनको चाहिए फिक्स अंजीर चाहिए। क्या करें आपके हीरे पन्ने मोती जवाहरात का हो। आपके बच्चे ने दारू पीता था, पड़ा रहता था, इधर उधर सड़ता था, गलियों में गिरता था, जाता था कहीं गलत जगह पर, जुआ के अड्डों पर, वैश्यालों में, मदिरालों में, आज छोड़ दिया, सुधर गया। बिल्कुल सत्य बोला, ये शब्द बिल्कुल सही जगह पर आपने इस्तेमाल किया, सुधर गया। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं सठ सुधरई सतसंगति पाई। सतसंगति से मूर्ख सुधर नहीं जाता। जो सत्य का संग करता है वो तो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, भगवान के दर्शन कर लेता है, ये तो बड़ी ऊपर की बात है। सुधर जाना तो एक वो स्तर है जो आपका होना चाहिए, एक मानवता का स्तर है, एक इंसानियत है। सुधर जाना तो बिगड़ जाना एक ए इंसानियत है, ए मानवता है। सुधर जाना मानवता है, लेकिन मानवता तो सभी को प्राप्त होती है। मनुष्य की योनि तो सबको मिली है, आप सबको। इसमें तो सत्संग का लाभ पा करके ये मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है,
परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोहि, बड़ा सुंदर कहा है तुलसीदास जी ने कि संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोहि, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। ये लक्ष्मी दौलत ये पापियों की भी होती है और कभी कभी अधिक मात्रा में होती है। सुखदेव गोस्वामी जी भागवत में कहते हैं कि असुरों के पास भी अपार संपदा होती है, बुद्धि भी होती है, कहीं देवताओं से भी बढ़कर होती है, लेकिन उस देवता सदुपयोग में लाते हैं, ये दुरुपयोग में लाते हैं। दारा यानी लक्ष्मी सुंदर स्त्री और सुत, ये तो बोलते पापियों के भी होते हैं, रूपवान तो वैश्या भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी घरवाली ही हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सुत पुत्र ये तो पापियों के भी होता है, लेकिन संतों का समागम, संतों का आगमन और उनके मुखारविंद से निकले हुए भगवान की कीर्ति के शब्द, भगवान की लीला वार्ता कथा वार्ता, ये दो चीज बड़ी मुश्किल है। उनके सत्संग में, उनके प्रवचन माला के अंग बन जाना, ये परम भाग्यशाली की और भाग्यशालिता के लक्षण है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोहि, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सत्संग की महिमा अपार है। आई गीता भागवत, सत्संग चल रहे श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय। श्री भगवान उवाच क्लैब्यम स्मगम पार्थ न एतद् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, ये मर्दों वाली बात नहीं है, ये तो नामर्द वाली बात है कि तू इस मोह ये तुच्छ विचारों को प्राप्त हो गया। क्लैब्यम ये कमजोरी को प्राप्त हो गया, ये कमजोरी कुतस्त्वा कहां से आ गई, ये नामर्दानगी तेरे अंदर कहां से प्रवेश कर गई, ये तो तुझे ना इधर का छोड़ेगी ना उधर का, हिजड़ा बना देगी। क्लैब्यम मा इस गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपद्यते, ये तो तेरी महावीरता को तेरी क्षत्रियता को धूल में मिला देगी। दौर्बल्यम ये दुर्बलता को, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम ये क्षुद्र विचारों को जो तेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं, त्यक्त त्याग दे, उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे चेस्टाइजर ऑफ इनेमीज स्टैंड अप एंड फाइट, डू
this battle, this war. भगवान के आदेश को पालने के लिए, भगवान के निर्देशन में चलने के लिए अर्जुन बहुत कल्याणकारी प्रश्न करेगा जो हम सबके भले के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है। आप सत्संग का आनंद लेते जाइए। जय गोपाल। जय गोपाल। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, भगवान ने जब इतने शब्द कहे अर्जुन के हृदय में प्रश्न के बाद प्रश्न खड़े होने लगे। अर्जुन को जब एक फटकार भगवान ने लगाई तो हृदय में प्रश्नों की बाढ़ आने लगी। यही प्रश्नों की बाढ़ भगवान के श्रीमुख से ऐसे ऐसे उत्तर दिलाएगी जिससे हमारा सबका कल्याण होगा, भला होगा। जिस उत्तरों को प्राप्त करके अर्जुन का ही नहीं, पांडवों का ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडों का भला हो गया। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके और उस प्रभु के प्यारे बन गए, प्रभु के मित्र बन गए, प्रभु के परम भक्त बन गए, प्रभु के पार्षद बन गए, उनके धाम के वासी बन गए, अखंड आनंद के सागर में तैरने लगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले हाथ जोड़कर कांपते हुए जबान में, कांपते हुए हृदय से, कांपते हुए शरीर से अर्जुन बोले, कथम भीष्मम अहम संखे, कथम भीष्मम अहम संखे, द्रोणम च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोच्छामि, पूजा रहा वरिसूदना। अरे मधुसूदन, अरे मधु कैठब जैसे महानिशाचरों को नष्ट करने वाले कृष्ण, मेरे भी ये शत्रु मोह को मार डाल, निकाल फेंक इसको हृदय से, अगर शक्ति है आपके शब्दों में और आपके उपदेशों में और आपके उत्तरों में तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। हे मधुसूदन, हे मधु राक्षस को मारने वाले कृष्ण, कथम भीष्मम, भीष्म पितामह के साथ, भीष्म पितामह के बाणों का, मेरे गुरुवर द्रोणाचार्य के बाणों का इस युद्ध क्षेत्र में मैं अपने बाणों से कैसे जवाब दूंगा, दे सकूंगा? वो तो मेरे परम पूजनीय है, मेरे गुरु जी हैं, मेरे बाबा हैं, जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया। इशु भी प्रतियोच्छामि, मैं अपने गांडीव धनुष से निकले हुए बाणों से कैसे उनके सीनों को छलनी करूंगा, कैसे उनके बाणों का जवाब दे सकूंगा? अर्जुन ने तो बड़ी काम की बात कही। वास्तव में गुरुजनों का या अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिताओं के साथ तो आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहिए, विवाद भी नहीं करना चाहिए। उनके शब्दों से जवाब, अपोजिट जवाब भी नहीं देना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। फिर जाके ये तो मृत्यु रूपी बाण है जो मृत्यु लेके एक दूसरे के सीनों में घुसेंगे मृत्यु स्वरूप से। तो अर्जुन सही कह रहा है,
अर्जुन के हृदय में तो ये भी होगा कि तुमने अगर आवश्यकता पड़े तो तुम अपने गुरु के हृदय में बाण मार सकते हो कृष्ण, तुम अपने बाबा उग्रसेन महाराज के हृदय में बाण मार सकते हो कृष्ण। लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा अर्जुन ने, लेकिन ये तो हृदय में होगा ही। वो तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदना इशु भी प्रतियोच्छामी। इन बाणों से समर भूमि में मैं कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य के बाणों का जवाब दे सकूंगा? मेरे बाबा भीष्म पितामह है, कैसे उनके बाण मेरे बाण रोक पाएंगे? कैसे मेरी बाहों में इतना बल होगा जो मेरे बाबा के बाणों का जवाब दे सकेंगे? जिन्होंने मुझे अस्त्र विद्या में निपुण किया, शस्त्र विद्या में निपुण किया, उन गुरु और द्रोणाचार्य के बाणों के प्रति मेरे बाण कैसे अपनी कला कौशल दिखा पाएंगे? मेरी बाहों में वो बल नहीं होगा कृष्ण। ये तो मेरे आदरणीय पूजनीय रेस्पेक्टेबल मेरे अपने हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे बाबा हैं, क्षमा करना कृष्ण, मैं कैसे ये युद्ध करूंगा? ये प्रश्न अर्जुन का है। ये प्रश्न स्वभावतः मोहग्रस्त भटके हुए प्रत्येक प्राणी का है, वो भी ऐसे ही कहेगा। अर्जुन ही नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन कहते हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षम अप इह लोके। कन्हैया, ये गुरुजनों का वध करने से तो बेहतर है कि मैं इस संसार में भीख मांग कर खा लूं, भीख मांग कर अपना जीवन गुजार लूं। अरे, इन गुरुजनों को क्यों मैं मारूं? ये आदरणीय पुरुषों को क्यों मैं मारूं? इन पूजनीय महापुरुषों को क्यों मैं मारूं? गुरुन हत्वा गुरुन हत्वा ही महानुभावान, इन गुरुओं को न मारकर अच्छा है, भला है मेरे लिए कि मैं भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर लूं। मुझे नहीं चाहिए हस्तिनापुर के 5 गांव, नहीं चाहिए 1 भी गांव, नहीं चाहिए 1 इंच भूमि भी नहीं चाहिए, मैं तो कहीं अन्यत्र जाके भी कहीं भीख मांग लूंगा। गुरु न हत्वा ही महानुभाव, निश्चय इन गुरुओं को, इन गुरुजनों को न मार करके। श्रेयो भोक्तुम भेक्षम अपीह लोके, इस लोक में, इस संसार में, ये बहुत बड़ा संसार है, कहीं भी जाकर के मैं अपनी झोली फैला करके भीख मांग लूंगा दरवाजों पर जाकर के कि मैया 1 रोटी दे दो, मैं अर्जुन आया हूं, भिखारी आया हूं, भीख मांग के खाने के लिए भीख दे दो मैया, मैं किसी पेड़ की छांव में बैठ करके ये रोटी खा लूंगा,
रोटी का आधा टुकड़ा खा लूंगा, मैं गुरुजनों को नहीं मारूंगा कृष्ण, ये मेरे गुरुजन है। गुरुन अत्वाई महानुभावान श्रेयो, ये श्रेष्ठ होगा मेरे लिए कृष्ण, इन गुरुओं को मत मरवा कृष्ण, ये श्रेष्ठ होगा। गुरुन हत्वाई महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षम अब इहलोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुंजिये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। और हे कृष्ण, ये गुरुजनों को मार करके संसार की कामनाओं के लिए, उस हस्तिनापुर के राज्य के लिए या अपने सुख भोग के लिए इन गुरुजनों को मार करके जब हम जिएंगे तो सारे सिंहासन, महल की दीवारें, छत, पृथ्वी, ये सड़कें, ये गलियां उन गुरुजनों के खूनों से रंगित होंगी, रंग चुकी होंगी, सब जगह ब्लडी शेड होंगे, रक्त ही रक्त, रुधिर ही रुधिर नजर आएगा मुझे। भला मैं कैसे जी सकूंगा जब, और मैं जीना तो चाहूंगा ही नहीं। हत्वार्थ कामान गुरु निहेव भुंजिये भोगान रुधिर प्रदिग्धान, तब मैं भोजन भी करूंगा तो उसमें भी मुझे मेरे गुरुजनों का रक्त दिखाई देगा। जब मैं वस्त्र भी पहनूंगा तो उसमें भी मुझे गुरुजनों का रक्त दिखाई देगा। जिस सिंहासन पर बैठूंगा, जिस रास्ते से निकलूंगा, रुधिर दिखाई देगा उन गुरुजनों का। ऐसे रक्त सने भोगों को भोग कर मैं कैसे जिंदा रहूंगा, तब मैं मारा जाऊंगा, तब भी मैं मर जाऊंगा, तब भी मैं जीना नहीं चाहूंगा। तो क्यों नहीं मैं पहले ही ये युद्ध ना करूं, मेरे गुरुजनों को नहीं मारूं। और एक भिखारी का झोला लेकर के भीख मांग के अपना गुजर बसर कर लूं, अपने भाइयों को भी भीख मांग के लाकर खिला दूं, वो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा अर्जुन। हे कृष्ण, मेरे लिए वो श्रेष्ठ होगा। मुझे इस युद्ध को करने की सलाह मत दो, मैं मेरे गुरुजनों को नहीं मारना चाहता कृष्ण, इतनी कृपा करो मेरे ऊपर। ये दशा अर्जुन की थी मेरे भाइयों, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में श्वेत रंग के, धवल रंग के घोड़ों से चुता हुआ रथ, जिसमें कृष्ण भगवान स्वयं सारथी हैं, अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ करके कांप रहा है, हाथ जोड़ रहा है, ये महापाप करने से पहले भयभीत हो चुका है। प्रत्येक पाप के करने से पहले हमें भी भयभीत होना चाहिए इस तरह से, ताकि पाप हो ही ना सके। अर्जुन तो क्या पता कितना बड़ा पुण्य करने जा रहा है, इसको तो कृष्ण आगे कहेंगे। ये तो हम अर्जुन की दशा बतला रहे हैं कि अर्जुन के हृदय में ये बैठ चुका है कि ये महापाप है, ये घोर पाप है, इससे नरक मिलेगा। लेकिन ये तो अर्जुन अवश्य स्पष्ट कर रहा है कि किसी भी पाप को करने से या पाप को करने से पहले ये हृदय को भयभीत हो जाना चाहिए, जिससे ये हृदय, ये हाथ पाप करने को, ये काम, ये कदम पाप करने को नहीं उठे,
ये हाथ पाप कार्य के लिए नहीं उठे बढ़े, ये हृदय पाप की सलाह नहीं दे। इतना तो अर्जुन स्पष्ट कर चुका है कि ऐसे महापापों से बचना चाहिए, डरना चाहिए, भयभीत हो जाना चाहिए, खुद को जल जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, भीख मांग लेनी चाहिए, लेकिन महापाप पाप नहीं करने चाहिए। इतना तो अर्जुन की बातों से, अर्जुन के प्रश्न से स्पष्ट हो चुका है। जय गोपाल।